ऋतिक भाई गाड़ी रोको, आज इनको दिखाते हैं अपनी ऑडियंस को ये गाड़ी क्या चलाते हैं। बैड न्यूज ये है कि सो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप सब, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बाकी आज मैं 9-10 दिन बाद व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और काफी टाइम हो गया क्योंकि बारिश का सीजन था और बाहर जाने का हो नहीं पा रहा था। तो मैं अब जस्ट ये देखो गाना चला दे रहा बीच में, डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। तो 9-10 दिन बाद क्योंकि बारिश के चक्कर से मैं कर नहीं पा रहा था व्लॉगिंग और घर वाले मना करते बाहर जाने को। प्लान बना था हमारा बीच में पहाड़ जाने का पर घर वालों ने डांट दिया कि मत जा, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, ये हो रही हैं, वो हो रही हैं। तो उसके बाद आज टाइम मिला मेरे को और आज टाइम भी इसलिए मिला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपनी धनों को गाड़ी को दिखाने के लिए टाटा में। तो उसकी बहुत सर्विसिंग और रेसिंग देखते हैं, भाई से पूछेंगे करानी नहीं करानी। वैसे मेन काम तो हमें आगे था, कहाँ पे था, बैटरी के यहाँ पे था इशू, तो वो दिखाना है। गाड़ी अपने आप तुरंत बंद हो जा रही थी बैटरी के, उससे तो वो दिखा रहे हैं। बाकी अभी भाई से पूछते हैं, उन्हें सर्विसिंग भी करा के आ जाएंगे तो तुरंत निकलते हैं। बाकी गाड़ी में तो बैठ चुके हैं, हमने गद्दी संभाल ली है पूरी, तो चलते हैं घर को, भाई से पूछते हैं, उसके बाद सीधे टाटा सो। तो मैं पहुंच गया हूं घर, अभी लेता हूं भाई से पैसे क्योंकि जा रहे हैं हम सर्विसिंग कराने के लिए। सो गाइस फाइनल डिसाइड हो चुका है हमारा कि हम कराएंगे सर्विसिंग और बाकी भाई से पैसे ले लिए मैंने और हम निकल चुके हैं टाटा शोरूम की और सर्विस कराने के लिए। तो चलते हैं, बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद ब्लॉग करने को मिला क्योंकि बारिश ने पूरा दिमाग की हिलाया थी और बाकी जितनी जगह लैंडस्लाइड्स हुई हैं उन चक्कर से मेरे घर वालों ने भेजा भी नहीं मेरे को घूमने के लिए। और देखेंगे जो भी होता है, सीन सौड़े बागल वाला ऐसे ही बोलते रहता है बस, पहले गाड़ी सर्विसिंग कराने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलते हैं, बहुत टाइम से तुम्हारे भाई ने गाड़ी नहीं चलाई है तो आज मन कर रहा है गाड़ी चलाने का। तो थोड़ा आगे तक मैं चलाता हूँ गाड़ी, वैसे मतलब उतनी सही तो नहीं आती है, फिर भी दिखाते हैं आप लोग को, आप लोग बताना कहीं चला रहा हूँ मैं। बाकी मतलब मज़ा आता कार चलाने में, मन तो करता ही है चलाने का पर मैं डर के मारे चलाता नहीं हूँ। पर अब चलाते हैं, ऋतिक भाई गाड़ी रोको, आज आज इनको दिखाते हैं अपनी ऑडियंस को ये गाड़ी कैसे चलाते हैं, मैं सिखाऊंगा तुमको। रोको गाड़ी तुम, आज चलो भाई, हटो भाई, तुम आओ इस साइड, तुम्हारा भाई चलाएगा गाड़ी। लो भाई ऋतिक भाई कैमरा पकड़ो आप, गाड़ी मत उड़ जाए खाली, गाड़ी बट जाओ चलो। ओ भाई मुझे ट्रक को जाने देते हैं पहले, आराम से चलाएंगे आपको बताएंगे हम। देखो अभी हैंड ब्रेक मारा है हमने, अरे मेन चीज तो बताने भूल गया भाई, सीट बेल्ट यार, मैं दिख भी रहा हूँ, दिख रहा हूँ मैं है? देखो सीट बेल्ट जरूरी है सेफ ड्राइव के लिए, आगे सीट बहुत हो रही है मेरे लिए। क्या हो रही, पीछे पीछे हो रही, ठीक है रिलैक्स लैग, तेरा भाई रिलैक्स होके चलाता है। ये ना पहला गियर सही मारा ना मैंने, बिल्कुल भाई सिखा थोड़ी रहा हूँ, चलानी आती है तब चला रहा हूँ मैं, इसलिए मैं थोड़ा पूछ ले रहा हूँ। सो लेट्स गो, ये देखो तुम्हारे भाई ने पहली बार में खींच दी यार गाड़ी, बाकी इसको ये कर देते ना सिटी में, इको में चलाओगे तुम, पिकअप नहीं चाहिए अभी, हमारी औकात यही है, ये तो दौड़ेगी है, गियर भी चेंज करते हैं। अबे साले, अरे अभी करते हैं, रुको जरा मेरे गाड़ी में हाथ पाऊं सेट तो होने दो। क्या कर रहे हो, तो डांस करा रहे हो तुम मेरे को भाई, अलग ही लग रहा है, बहुत टाइम में चला रहा हूँ ना, गियर चेंज कर, बड़े गियर में डाल, काफी मजा आ रहा है भाई, मजा आता है पर कार चलाने में यार कुछ भी कहो। तो अभी थोड़ा आगे तक का मैं चलाता हूँ और उसके बाद फिर ऋतिक भाई को दे देंगे, बाकी आगे से कंपटीशन आ रहा है, मिशन पास होते हैं। अरे बच्चा है यार ये, ऋतिक भाई से चला रहा हूँ मैं, बहुत बहुत बढ़िया, तो ठीक है अभी तो मिलते हैं आपको थोड़ा आगे बाद में, तब तक मैं चलाता हूँ। साइड चलते ने शनिवार ता लिप सिंक करती प्यारी लगती, तो गाइस तुम्हारे भाई ने चला ली गाड़ी, अब थोड़ा बैठते हैं, काफी मजा आया, मन भर गया मेरा, अब किसी दिन आराम से सीखूंगा बढ़िया तरीके से। बाकी अब सवार दिया हमने गाड़ी, ऋतिक भाई को दे दी है, तो चलते हैं सीधे। बाकी हाँ बैड न्यूज ये है कि टाटा में सर्विस कराने हम जा ही रहे थे पर वहाँ से हमें कॉल आई, हमने पता किया क्योंकि इतना दूर जाना सही नहीं रहता, हमने पहले पता करा तो उन्होंने कहा 30 गाड़ियाँ आई हैं, तो आपका नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आने को आप आ सकते हो, रिसीविंग कर लेंगे लेकिन देंगे नहीं गाड़ी, तो वो कह रहे थे कि
कुछ कह नहीं सकते करके, तो आपको आना है आ जाओ, पर नंबर आएगा नहीं आएगा पता नहीं, क्योंकि 30 गाड़ियां हैं गाइस, अब शाम के रात हो सकती है, तो टफ ही लग रहा है, इसलिए हम आज कैंसिल कर रहे हैं उसको, कल परसों जाएंगे। बाकी अभी हम जा रहे हैं, हमने जो बीच में काम कराया था ना, आपने पिछला व्लॉग मेरा देखा होगा, तो नहीं देखा होगा जाके देखना, हमने गाड़ी में कुछ पन्निया क्या कहते हैं उनको, रैपिंग कराई थी, तो रैपिंग समझ रहे हो, रैपिंग कराई थी, तो वो थोड़ा निकल रही है, तो कंप्लेन करनी है उससे, दोबारा लगवाएंगे और चलते सीधे वहीं को सीधे। अब बाकी एक आगे कल बैटरी दिखानी है, वो अपने आप ही ढीली जा रही है, तो वो दिखाते हैं फिर चलते हैं। सुबह इस पहुँच तो गए हैं हम सर्विसिंग कैंसिल करके, गाड़ी में रैपिंग सही कराने आए, क्योंकि वो निकल रही थी बाहर को, बाकी देखो भाई सही कर रहा है, तो जैसे ये कंप्लीट होता है हमारा, हम चलते हैं सीधे घर को, क्योंकि आज इतना ही काम रहा था बाकी, क्योंकि सर्विसिंग तो हो नहीं पाई, किसी और दिन जाएंगे, बाकी मस्त अभी नमकीन खाता हूँ क्योंकि भूख लग रही है। सो गाइस अभी सागर भाई की कॉल आई थी कि उनके सर्टिफिकेट हमारे कार में थे ना, तो उन्होंने कहा चल फोटो भेज दे, फोटो भेज रहा हूँ, मना कर दे रहे कैसे भेज ऐसे भेज, तो मैंने कहा हम देने ही आ रहे हैं, तो वो अब खुद ही आ गए हैं लेने के लिए, तो ऋतिक उनको देने जा रहा है, दिखाते हैं आपको। वो देखो सागर भैया आ गए हैं और ऋतिक उनको उनके सर्टिफिकेट दे रहा है, तो उसके बाद सीधे चलते हैं घर को। बाकी आज का काम तो इतना ही था, बाकी सर्विसिंग देखते हैं एक दो दिन में देखते हैं, बाकी अभी चलते हैं घर को, बहुत थकान हो रही है, ऊपर से गर्मी ऐसी हो रही है क्या ही बताए, तो चलते हैं। सो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं, और अभी जस्ट मतलब घर तो कब के पहुंच चुका था, आधे घंटे पहले, मैं थोड़ा आगे दुकान पर काम चल रहे थे, थोड़ा वहाँ भैया लोग के साथ बैठा था, तो जस्ट अभी घर आया हूँ, और लगी बहुत जोर की भूख, तो खाना खाते हैं, बाकी भाभी भी सब लोग सो गए आराम कर रहे हैं, मम्मी जस्ट अभी उठी है क्योंकि मैं आया था, मम्मी ने दरवाजा खोला, तो अब अपना खाना खाता हूँ, बहुत भूख लग रही है, ऊपर से जिम भी जाना है शाम को, और अभी 3:30 बज चुका है, तो जल्दी से खाना खाते हैं और फिर शाम को जाएंगे जिम, मिलते हैं आपको सीधे जिम में। रुई तू किसका व्लॉग देख रही, कौन है वो जल्दी पता कौन है वो। घर आ चुका हूँ और 6 बजे मैं जिम के लिए जा चुका था, तो उस टाइम ब्लॉग बनाना जैसे भूल गया, जल्दीबाजी में गया, तो जिम से घर आ चुका हूँ, और आज का दिन तो बहुत ही हेक्टिक हो गया, बहुत थकान हो चुकी थी, तो खाना वाना खाया, थोड़ा आराम करा और इसलिए जिम को गया, तो उस चक्कर में जल्दीबाजी में ब्लॉग बनाना भूल गया था मैं, तो जस्ट अभी एक्सरसाइज करके मैं आज मारी बैक, तो बैक मार के बिल्कुल जस्ट अभी जस्ट घर पहुँच रहा हूँ, हाथ में भूखे और अब भूख लग रही है बहुत, अभी डाइट भी आज मैं मन नहीं कर रहा खाने का, क्योंकि अभी रात रात को क्या ही बनाऊंगा, और चिकन विकन मारूंगा, तो कल सुबह ही करूँगा जो करूँगा, बाकी वो करता हूँ। आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा मेरा आज का, जितना हो सकता था मैंने गाइस आपको दिखाया, और बुरा मत मानना गाइस, सॉरी उसके लिए अगर आपको ब्लॉग में ज़रा ना कुछ भी दिखा नहीं पाया, तो होप करता हूँ आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत ही क्यों ना आया हो। तो बाकी मैंने गाड़ी भी चलाई आज, बहुत टाइम बाद चलाई, मतलब महीने हो गए थे, मैं थोड़ा डरता हूँ, मतलब थोड़ा अरे आगे को चला रहा हूँ, पीछे दिन बैक करने में दिक्कत आती है, तो बस वही है डर लगाना है, बाकी ऐसे धीरे धीरे सीखते रहूँगा। अब स्टार्टिंग कर लिया मैंने सीखने की, बाकी करते हैं ब्लॉग को एंड, और होप करता हूँ आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, तो ब्लॉग पसंद आया तो गाइस आपको पता ही है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, तो फैला दो हर जगह, बाकी जितने भी नए हैं जो देख रहे हैं सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया तो, सपोर्ट करो अपने छोटे भाई को, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, लव यू, टेक केयर। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपनी खट्टी गोली फेंक के मारो या फिर गाड़ी चढ़ा दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।